खेती बागवानी के विभिन्न रूप हैं। तुरंत में कमाई वाली फसलों की खेती एक तरफ, वहीं देर से ज्यादा कमाई वाली फसलें दूसरी तरफ। आज आपको एक ऐसे ही पौधे की बागवानी के बारे में बताएंगे जिससे कमाई तो 10-12 सालों बाद ही मिल पाती है, लेकिन कमाई होती है बम्पर। आप सोचेंगे 10-12 सालों में लागत की 2 गुनी, 4 गुनी या ज्यादा से ज्यादा 10 गुनी आमदनी हो जाएगी और क्या, लेकिन नहीं, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस पौधे की बागवानी में आपको 50 से 60 गुनी से भी ज्यादा की आमदनी संभव है। पौधे का नाम है महोगनी। इस पौधे का जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है जिसकी लकड़ियों से लेकर पत्तियां और फल सभी की देश और दुनिया में काफी डिमांड है। इसके महत्व को देखते हुए अमेरिका में 1990 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद भारत, फिजी, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में इसकी बागवानी की जाने लगी। महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर, जहाज, संगीत वाद्य, बंदूक का बट, खेल के सामान और भूकंप रोधी मकान बनाने में किया जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल कैंसर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सर्दी, मधुमेह सहित कई रोगों में किया जाता है। इसके बीज का इस्तेमाल भी कई तरह की दवाओं में किया जाता है। अफ्रीकन सुटेनिया महोगनी का एक ऐसा प्लांट है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। इसकी जो है पानी के जहाज बनाए जाते हैं और वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं और इंटरनेशनल राइफल के बट बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। 10 से 12 साल में पूरी तरह विकसित होने वाले महोगनी के पेड़ की लकड़ी होलसेल में 2200 रुपए प्रति घन फीट बिकती है। इसके पूर्ण विकसित पौधे की लंबाई लगभग 70 से 90 फीट के करीब होती है। महोगनी के पौधे 5 वर्ष में एक बार बीज देते हैं। एक पौधे में 5 किलो बीज मिलते हैं। इसके बीज भी 1000 रुपए प्रति किलो तक बिक जाते हैं। एक हेक्टेयर खेत में इसके 1000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। एक हेक्टेयर में पौधे लगाने में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि एक हेक्टेयर में पूर्ण विकसित बागवानी से 1 करोड़ तक की कमाई की जा सकती है। एक हेक्टेयर खेत में 1000 पौधा लगेगा और लगभग 1.5 लाख रुपए किसान का खर्च आता है। एक पौधा 150 रुपए का पड़ता है और इससे जो है किसानों की आमदनी जो होगी लगभग 80 से 90 लाख रुपए होगी। जो है इसके फल आते हैं 5 साल में, जो है 3 साल से 5 साल के बीच में फल आना शुरू कर देंगे इसके जो है, और ये फल जो है इंटरनेशनल मार्केट में 1000 रुपए पर केजी बिकता है जो है। महोगनी के पौधे को सूर्य की रोशनी के विपरीत लगाना चाहिए। इसके पौधे लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखनी चाहिए, जिसे इंटरक्रॉप की फसलों के मुताबिक आप 6 मीटर या 10 मीटर भी रख सकते हैं। इसको जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि चारों तरफ से एक लेबल बना लेते हैं पूरे खेत का जो है। हार्वेस्टिंग करने के बाद लेबल लगाने के बाद जो है एक डिस्टेंस, एक मेन डिस्टेंस होता है जिसमें कि जो है प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 12 फीट और रो टू रो दूरी जो होती है जो है 18 फीट की रखते हैं। नहीं तो अगर खेत में पूरी नहीं लगा सकते हैं तो इसको जो है आप खेतों के चारों तरफ किनारे किनारे बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं आसानी से जो है। महोगनी की बागवानी के साथ दूसरी फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके पेड़ खेत में बोई गई दूसरी फसलों को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये फसल और मिट्टी के लिए दोस्त के रूप में काम करता है। दूसरे पौधों की तुलना में महोगनी में कम पानी की जरूरत होती है, जिससे आसानी से फसल की खेती की जा सकती है। मैगोनिया की पत्तियाँ अगर खेत में गिरती हैं तो उससे खाद बनता है, उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी हो जाती है और सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल कोई दूसरी फसल भी कर सकते हैं हम इसमें। ऐसे लाभदायक पौधे की बागवानी कर आप भी अपनी कमाई लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।